सर मैन्युफैक्चरर हैं, सर के खुद के डिजाइन्स हैं, आज विद प्रूफ आपको दिखाया भी जाएगा। क्यूबन चेन है, आजकल बड़ा जेंट्स का फैशन है, एमसी स्टैन और सिंगर्स वगैरह की और ये स्टाइल की क्यूबन चेन्स का। ये मैं डायमंड के अंदर कैसे देखूँ, क्या चीज़ है, आप ये देखिए उसको कितना क्लियर और बड़ा दिख रहा है। डायमंड है या जर्कन तो नहीं है, जर्कन पे आता नहीं है। डायमंड है, ये डायमंड आ गया ना, बुखार भी चेक हो जाता है। जेंस ब्रेसलेट क्यूबन में। ओह ये तो सर, और ये हनी सिंगर। हाँ हमारे पास 25% ऑफ चलता है, उसमें आपको अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों को साथ लेकर आना होगा। हमारे डिजाइन कोई भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये देखिए सारे हैंडमेड डिजाइन है, डायमंड है हमारे पास। हाँ जी। और हम लोग गोल्ड लेकर ये डायमंड, ये हमारी फैक्ट्री के अंदर बने हुए हैं, अब इसके अंदर डायमंड स्टड होंगे। ओके। हाँ ये मतलब कि आप ये समझिए कि एज अ मैन्युफैक्चरर ही आपको कोई नहीं दिखाएगा। रिंग्स के अंदर मैं 10,000 से आपको रिंग्स दिखा सकता हूँ, नोज पिन में आपको दिखा सकता हूँ 2,500 से लेकर, और कितनी हायर रेंज तक जा सकते हैं। ये बुल्गारी का ब्रेसलेट है, आप ये देखिए जो प्रियंका चोपड़ा पहनती है। सच तो ये यहाँ से बन के गया है। अंदर ये ब्राइडल चोकर्स हैं और डिजाइनर पीसेज हैं ये। सत श्री अकाल जी, मैं हूं अपना सिंगर वर्क, दोबारा आ चुके हैं बहुत बढ़िया वीडियो लेकर। सर में शादियां हैं पर लेकिन हमें अब चाहिए डायमंड गोल्ड, बढ़िया बढ़िया हमें कलेक्शन चाहिए, कहाँ से ले। बहुत सारी शॉप्स हैं, कहीं पे डिजाइन समझ नहीं आता, कहीं पे थोड़ा सा बोलते कुछ हो रहे हैं देते कुछ हो रहे हैं, बट लेकिन हमें जाना है एक ट्रस्टेड ब्रांड में जो कि हमारी नीड्स को करे फुलफिल, और बढ़िया बढ़िया जो ट्रेंडिंग डिजाइंस हैं और कस्टमाइज भी हो, और हमारे अपने मतलब की भी डिजाइन हो, सब आपको मिलेगा कहाँ पे। देन हमारे जो ओनर हैं, अच्छा सर, वाशिया ज्वेलर, वाशिया ज्वेलर्स के क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया, बहुत। सर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यूट्यूब के अंदर, वैसे वीडियोस बहुत सारी हमारी, बट सर कह रहे हैं यार मेरे को ऑफर आई थी बॉम्बे से तो मैं उसका एक वो ले लूं। सर बुराना नहीं। तो सर वैसे जो है ये डायमंड किंग है, सर मैन्युफैक्चरर हैं, सर के खुद के डिजाइंस हैं, आज विद प्रूफ आपको दिखाया भी जाएगा। हम वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम होलसेल और सप्लाई करते हैं, बट प्रूफ कैसे मिले, आज विद प्रूफ आपको मेंशन किया जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो बनाने का रीज़न कि जो मिथ होती है लोगों की यार डायमंड नहीं लेना, डायमंड आज महंगा देंगे, पता नहीं क्या लगाया उन्होंने, वो क्या पर ग्राम के हिसाब से मेकिंग लगाते हैं, कल को हम बेचेंगे पता नहीं क्या वैल्यू मिलेगी, तो वो सारे आपके जो मिथ्स हैं, जो आपके जो डाउट हैं वो सारे हम करेंगे क्लियर। और साथ साथ जो आज की डेट के अकॉर्डिंग जो एक ट्रेंडिंग डिजाइन है एलिगेंट, मतलब आप जब कोई फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, कि जो आपको नहीं भी जानता वो भी आपको देखे, हाई मिस बगेंजा कितना लेता है तुम, वो यहाँ से लिया है वास्या ज्वेलर। सर ये कंपनी कितनी पुरानी है और कहाँ पे सिचुएटेड है? ये करोलबाग में सिचुएटेड है पहली बात, और दूसरा पुरानी कितनी है, ये अप्रॉक्स 17 इयर्स पुरानी है। ये काम मेरे ही शुरू किया था आफ्टर कम्प्लीटिंग माई ग्रेजुएशन इन द मिड ऑफ MBA, आई एम डूइंग MBA। तो ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करा था, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं डायमंड ज्वेलरी की। हम लोग इस पुड़िया के अंदर डायमंड आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जरा पीछे दिखाना जी आप जरा। हाँ तो हमारे पास पैकेट्स आते हैं और लूज पैकेट्स आते हैं, ठीक है, इस तरह के, और छोटे छोटे डायमंड। हाँ थोड़ा सा उठ के आएंगे जी, आलसी लड़के खड़ा हो। हाँ ये दिखाओ, ये डायमंड्स हैं हमारे पास। हाँ जी। और हम लोग गोल्ड लेकर ये डायमंड, ये हमारी फैक्ट्री के अंदर बने हुए हैं, अब इसके अंदर डायमंड स्टड होंगे। ओके। हाँ ये मतलब कि आप ये समझिए कि एज अ मैन्युफैक्चरर ही आपको कोई नहीं दिखाएगा, मतलब कि बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए पर हम लोग एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम लोग आपको ये दिखाना चाहेंगे। आजकल बड़ा जेंट्स का फैशन है, एमसी स्टैन और सिंगर्स वगैरह की और ये स्टाइल की क्यूबन चेन्स का, तो ये हमारे पास आप बनवा सकते हैं, हमारी फैक्ट्री में बनी है ये सारी क्यूबन चेन। सर इन्होंने बताया नहीं आपको, जब मैं आता हूं मैं ये चेन भी लेकर जाता हूं। नहीं नहीं बिल्कुल बताया था जी। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास। अभी ये देखिए एक और क्यूबन चेन है, इसी में नया डिजाइन है ये, एज अ मैन्युफैक्चरर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक एक स्टाइल होता है, इसको बनाने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है, और ऑलमोस्ट इसके अंदर 4,000 पीस स्टड होंगे, 4,000 डायमंड, 4,000 डायमंड, तो ये 4,000 डायमंड स्टड होंगे, इसको 10 डेज लगेंगे कंप्लीट होने में अभी भी, मतलब कि टोटल मान के चलिए इसको 1 month 20 days लग जाते हैं एक क्यूबन चेन बनने में, अगर फिनिशिंग के साथ बनाई जाए। और ये बनती है जैसे अभी ये 200 ग्राम की बन रही है, सब हैंडमेड, सब हैंडमेड, सब हैंडमेड बनती है जी। मेहनत है, बहुत मेहनत का काम है। कई बार लोग सोचते हैं यार डायमंड ज्वेलरी है, हम ये रीजनेबल दे देंगे, ये रीजनेबल दे देंगे, ज्वेलर को रीजनेबल देना अलग बात है, पर वो सारी लेबर एक आपके कारीगर के पास जाती है,
जो वाकई ही बहुत गरीब होता है, बड़ी मेहनत करके अपने पैसे कमाता है। अमीर कौन होता है? अमीर वो होता है जो इसको परचेज करता है ज्वेलरी को, जो परचेजर है, जो ज्वेलरी परचेजर है वो अमीर है। अब वो चाहे 10,000 की ले रहा हो, चाहे वो 10,00,000 की ले रहा हो, जो बायर है असली अमीर वो इंसान है। और हम चाहते भी हैं कि वो अमीर रहे, वो करोड़पति बने। इसके लिए हम एक सर्विस भी अभी शुरू कर रहे हैं कि हर सैटरडे संडे एक पंडित जी आते हैं जो कुंडली देखने के लिए, कमिंग सैटरडे संडे में भी वो आएंगे। वो हम सर्विस शुरू कर रहे हैं 1 मार्च से, जिसमें उसके बाद हर सैटरडे संडे प्रयागराज से आते हैं। प्रयागराज आजकल फेमस है अयोध्या से, तो वो आते हैं। वो वैसे तो सर्विस के 1 घंटे के 5100 लेते हैं, पर वाचा जूल स्पॉन्सर कर रहा है तो आप 1100 देकर उनसे अपने बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आजकल चाइल्ड मैरिजेस की प्रॉब्लम चल रही है, क्या मेरे को सूट नहीं कर रहा, बिजनेस में क्या लॉस है। वो एक हमारी सर्विस है, हम चाहते हैं कि आप अमीर बने। बिल्कुल, क्योंकि करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, तभी आप डायमंड ज्वेलरी लेंगे। ठीक है सर, एक चीज ओवर है, ये आपने स्केच बना रखी है, मेरा भी फोटो बना देंगे, पोर्ट्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पोर्ट्रेट बन जाएगा, आपका स्केच बन जाएगा। अब ये देखिए सारा क्यूबन चेन, पहले हमने ये जो क्यूबन चेन तैयार हो रही है, हाँ जी, ये पहले पोर्ट्रेट बना था, ये हमने, ये कस्टमाइज है, ये सारा हमने पहले पसंद करवाया अपने हमारे क्लाइंट को, और उनके लिए उनके बाद हमने ये डिजाइन बनाया। ये गोल्ड में है, ये व्हाइट गोल्ड में है, ठीक है, ये व्हाइट गोल्ड में है, ये येलो गोल्ड में है, ठीक है। बहुत सारी चीजें लोग ये कई बार ये भी समझते हैं कि रोज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, येलो गोल्ड ये प्लेटिंग हुई हुई है, प्लेटिंग नहीं होती हमारे यहाँ पर, ये बनता ही रोज गोल्ड व्हाइट गोल्ड में है, इसलिए क्योंकि प्लेटिंग होगी कभी भी उतर जाएगा, आप लॉन्ग टर्म के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप गोल्ड के अंदर ऐसे एलॉयज आ गए, इंपोर्टेड एलॉयज हो गए कि बहुत पुरानी मिथ हो गए कि अब तो चांदी तांबा मिलता है या कुछ ऐसी चीज़ों का, वो नहीं मिलता। अब दुबई से बहुत अच्छे अच्छे एलॉयज आते हैं लोगों के, और वो इसमें मिलाते हैं, इसमें सॉफ्टनेस भी रहती है। 14 कैरेट और 18 कैरेट का भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा आपको जब तक उसके ऊपर हॉलमार्किंग की स्टैंप नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा यूनिक प्रोसेस है कि इसके अंदर व्हाइट गोल्ड में भी बनवा सकते हैं आप, येलो में भी बनवा सकते हैं, और इवन रोज गोल्ड में भी आप तैयार करा सकते हैं। प्लेटिंग नहीं होगी किसी के ऊपर भी, सबके ऊपर में अंदर से भी व्हाइट गोल्ड और रोज गोल्ड रहेंगे। ये सर बात करते हैं आपकी ब्रांड की, कोई अगर आता है हमारे पास तो एक किस रेंज से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितनी हायर रेंज तक हम जा सकते हैं? किस रेंज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मिनिमम रेंज हम अगर आप कहें तो रिंग्स के अंदर मैं 10,000 से आपको रिंग्स दिखा सकता हूँ, नो स्पिन में आपको दिखा सकता हूँ 2,500 से लेकर, और कितनी हायर रेंज तक जा सकते हैं? हायर रेंज के अंदर मेरे पास आप जा सकते हैं अप्रॉक्स 20 लाख 25 लाख तक की सेट्स वगैरह के अंदर, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ इस टाइप, ये 10 लाख के आसपास के सेट्स हैं, दिखाइए। तो देखो जी, इंट्रोडक्शन लेने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि क्या कंसेप्ट किया आज की वीडियो का ना, बाकी अब जो अगले 15-20 मिनट दिखाएंगे पूरे डिजाइन्स आपको दिखाएंगे। सर देखो, दिल्ली वाले तो आ जाएंगे, दिल्ली के बाहर वालों के लिए क्या सेवा रहेगी? दिल्ली के बाहर वालों के लिए सेवा रहेगी कि आप उनको वीडियो कॉलिंग पे हम उनको दिखा सकते हैं, और बीवीसी लॉजिस्टिक 50 ईयर्स पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है जो इंडिया के अंदर ज्वेलरी आपको सप्लाई करती है, लॉजिस्टिक आपके डोर स्टेप पर। उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई हुई है। आप अगर मेरे से यहाँ से कहेंगे मुझे कर्नाटक में ज्वेलरी चाहिए, तो आपके कर्नाटक में आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको ज्वेलरी प्रोवाइड हो जाएगी। उनकी लॉजिस्टिक इंश्योरेंस रहती है प्रॉपर, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं रहती। 500 रुपये तक की अगर ज्वेलरी की इंश्योरेंस वगैरह होती है, उसके लिए ऑल ओवर इंडिया आपको कोई चार्जेस नहीं देने। अगर मोर देन 500 रुपीज़ के ऊपर इंश्योरेंस है, 500 रुपीज़ का इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि आपकी ज्वेलरी ऑलमोस्ट 50,000 या 60,000 से ऊपर की हो, तो आपको लॉजिस्टिक के कोई चार्जेस नहीं देने। ठीक है। अगर आप 2 लाख या 3 लाख से ऊपर की ज्वेलरी आपके पास जा रही है, तो उसके अंदर कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो सपोज 1,000 हुए तो आपने -500 करके आपको बैलेंस 500 के आपको एक्स्ट्रा चार्जेस शिपिंग के लगेंगे, 500 रुपीज़ आपके डिडक्ट हो जाएंगे उसके अंदर से, ये बेनिफिट है। ठीक है, हाँ जी। और अब हम करेंगे वीडियो शुरू, बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस आपको दिखाएंगे, साथ प्राइस बताने की भी कोशिश करेंगे। और ये सारे डिज़ाइंस आप कहाँ दे सकते हैं? इनके इंस्टाग्राम पेज हैं, इनका फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ पे ये अपडेट करते रहते हैं अपने डिज़ाइंस। अगर यहाँ कोई विजिट करना चाहता है तो सिर्फ आपको मंडे हॉलीडे रहती है सर हमारी? हाँ जी, क्योंकि मंडे मैंने देखा बड़ी सारी कंट्रियाँ में घूमने जाते हैं आप, में घूम के आ जाते हो आप, है ना, बड़ी सारी कंट्रियाँ हैं यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी लगी आपको?
इंडिया सबसे बेस्ट है जी। हम हैं हिंदुस्तानी। तो अब हम वीडियो करेंगे शुरू, और आज की वीडियो करा भाई हम स्टार्ट करते हैं। बढ़िया बढ़िया हमारे पास डिजाइन होंगे, ऑप्शन होंगे। तो सर कौन सी कैटेगरी से शुरू करें हम, पहले सेट से शुरू करें? सेट्स दिखा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये सेट्स देखिए, ये ऑलमोस्ट सेट्स आप ये मान के चलिए कि 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास के हैं। लाइट सेट्स दिखाना मैम जरा एक बार। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ लाइट सेट्स। एक मिनट, ये नहीं और लाइट सेट्स ये हम आपको दिखा रहे हैं। आर्टिकल बड़े ही प्यारे प्यारे हमारे डिजाइंस हैं जो आपको हम चेक करा रहे हैं। सर ये कौन कौन सी क्लैरिटी में आप डील करते हैं? ये IGSI क्लैरिटी, IGS VSSI और HI VSSI। ठीक है जी। नॉर्मली ये मैक्सिमम चलती हैं, अगर इसके ऊपर आप बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप ये देखिए सेट्स, नॉर्मली 2-3 तोले के अंदर चेनें आती हैं आज की तारीख में, वही 1.25-1.5 लाख की आ जाती हैं। और है। यही 1.5-1.5 लाख के अंदर आप पूरे नेकलेस सेट्स देख सकते हैं विद डायमंड के और विद टॉप्स वगैरह सब। ठीक है जी। हाँ जी, ये कुछ ऑप्शंस हमारे हैं जो हाँ, एक हम स्टार्टिंग प्राइस, जो स्टार्टिंग प्राइस जैसे ये है, ये आपका 1 लाख के अंदर है ये सेट। अब 1 लाख के अंदर 2 तोले की चेन भी नहीं आती। बिल्कुल, पर लेकिन हम पर हम ये डायमंड का नेकलेस सेट, हाँ ये शौक होता है। शौक इसलिए होता है कि मैं बताना चाहूँगा एक बार दोबारा से कि हर मदर का एक सपना होता है कि वो अपनी बेटी को एक डायमंड का सेट दे, और वो सपना जरूर होता है इसलिए कि वो एक ना इमोशन जुड़ा हुआ है। ज्वेलरी हमारे लिए शौक नहीं है, हमारे लिए हमारी फैमिली का इमोशन है सबसे बड़ी बात। तो चाहे किसी भी घर के हों, वो ये चाहते हैं कि अगर गोल्ड ले रहे हैं तो एक डायमंड का दे, क्योंकि डायमंड के साथ ना एक रिचनेस जुड़ी हुई है। कि अगर मैंने अपनी बिटिया को डायमंड के टॉप्स दिए हैं या डायमंड की रिंग दी है, या आपने अपनी, मतलब कि आप ये समझिए कि अगर आपने अपनी फ्रेंड को या अपनी अपनी वाइफ को एक डायमंड की रिंग दी है, और गोल्ड की रिंग उससे महंगी है, पर उसकी जो स्माइल आएगी डायमंड की रिंग देखकर, खुश हो जाएगी। हाँ, वो गोल्ड की रिंग से देख के नहीं आएगी। और देखिएगे जैसे ये हमारे पास ऑप्शंस और हैं, ये डिपेंडिंग है कि आप कितना हैवी चाहते हैं, हाँ, क्या डिजाइंस चाहते हैं, और कस्टमाइज तो सर ने स्टार्टिंग में बताई है, कस्टमाइज तो हम बनाते ही हैं। ये देखिए खुद के भी आप सर के डिजाइंस दे सकते हैं, देखो कितने प्यारे हमारे पास डिजाइंस बहुत होते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग के अंदर ये देखो एक ये हमारे पास पैटर्न आ गया, तो सारे पैटर्न हमारे पास मिलेंगे। और सर इसमें मेकिंग का कैसे रहता है हमारा सिस्टम? मेकिंग हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो नॉर्मल मेकिंग जो रहती है कहीं पर भी वो आपके 10%, 20%, आपकी 15%, 17% रहती है। तो हम लोगों की जो मेकिंग रहती है वो 8% रहती है इसके अंदर। अच्छा, इसमें गोल्ड वाला आपने सिस्टम रखा हुआ सारा? नहीं, हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं ना सर, हम लोग दे सकते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं इसलिए पर ग्राम वाला सिस्टम नहीं है। पर ग्राम वाला भी है, पर ग्राम से अगर आप कैलकुलेट करें तो हम पर ग्राम के अंदर हम ये मेकिंग जो चार्जेस होते हैं ये हम लोगों के 500 रुपीज़ पर ग्राम है। 450 से शुरू हो जाते हैं और 500, 600, पर लेकिन ये देखिए मैक्सिमम जो हमारी ज्वेलरी है वो 450 रुपीज़ पर ग्राम से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। एक सर कुछ हाई एंड की कुछ GK की लड़की आ जाती है वीडियो देख के कि मैं तो यही लूँगी जी, हाँ जी, ये किस रेटों में आ जाता है ये सेट? मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकंड आप रुकिए जरा। बोल बोल के हमने GK के रेट तो वैसे ही आए हैं और हाई कर दिए। नहीं नहीं, GK के रेट कर दिए हमने, हम GK में नहीं बैठे इसलिए हम GK के रेट भी नहीं लगा सकते। हम क्रोल बाग वाला लगाएंगे आपको। हाँ। पर आप डिजाइन जब तक सर लगा रहे हैं, मैं अब तक डिजाइन आपको चेक कराया था हूं। कितने सर इसमें डायमंड्स भी काफी बहुत सर, बहुत डायमंड्स है, बहुत बारीक वर्क हुआ हुआ है। सबसे अच्छी बात, हम लोगों को जो ज्वेलरी बनती है, आप एक भी ज्वेलरी उठाकर देखिए, हम लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, पता नहीं सब ज्वेलर्स इस बात पर ध्यान देते हैं नहीं देते, पर लेकिन ये हमारी ज्वेलरी सारी बहुत फ्लेक्सिबल है। ओके। ज्वेलरी बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। बिल्कुल। अगर कोई 10 दिन में ज्वेलरी बन जाए तो बन भी सकती है, बट अगर उसको 15 दिन लगाए जाए तो उसकी ज्वेलरी की निखार अलग से निकल के आती है। फिनिशिंग जिसको बोलती है फिनिशिंग। अब ये कहने को तो चोकर है, सेट है, पर ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आप ये किसी के गले पे भी पहन सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि अगर उसकी गर्दन थिक है लाइट, आप ये देखिए ये चीजें, ये फ्लेक्सिबल कितने हैं। सर मुझे फ्री दे दो, मैं ही पहन लूंगा। मुझे कोई हर्ज नहीं है पहनने में, इतना महंगा सेटअप कोई दे दे मुझे तो नहीं। हमारे पास स्कीम भी चलती है, हमारे पास 25% ऑफ चलता है, उसमें आपको अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों को साथ लेकर आना होता है। पर और ये प्रूफ भी देना होगा, ये गर्लफ्रेंड और ये वाइफ बकायदा एग्रीमेंट होगा जी उनका। इसके बाद एक और देखेंगे सर, डायमंड्स के साथ हम ये स्टोन्स भी ऐड कर देते हैं। हाँ जी, खूबसूरती बनाने के लिए स्टोन्स होते हैं, कि स्टोन्स उसकी ब्यूटी को एनहेंस करते हैं आपकी। आप ये देखिए ज्वेलरी की ब्यूटी को, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बैंगल्स दिखाना, ये सारे आर्टिकल डायमंड्स की बैंगल्स। और जब तक बैंगल्स देख रहे हैं साथ साथ हमारे पास कॉकटेल रिंग्स भी हैं, हमारे पास पार्टी वेयर रिंग्स आ गई बहुत। तो सर
ये कुछ लोग तो कहते हैं यार, अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइट रेंज रिंग्स। ये लाइट रेंज सॉलिटर रिंग्स हैं जो वेडिंग बैंड्स होते हैं जो लड़की के लिए। ये कुल 30,000-35,000 की रिंग्स हैं, ये सॉलिटर लगी हुई रिंग्स हैं। ये देखिए तो इसमें पॉइंटर सर वही 37-40 वाइट डायमंड एकदम। आप ये देखिए नॉर्मली ये अगर ज्वेलर्स पर जाएं बड़े जो शोरूम्स पे बैठे हैं ऑलमोस्ट यही रिंग्स आपकी 1,00,000-80,000-60,000-70,000 स्टार्ट होती हैं। ओ भैन जी तुसी जेड़ा पॉइंटर पसंद कीता 80,000 रुपए दा तो पॉइंटर ऐसे कहते ना बिल्कुल ऐसे ले लो शौक क्या क्या ब्याह गड़े हो जांदे ने। हाँ जी ये होलसेलर से आ गए ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास लुटने नहीं देंगे हम। अच्छा ये भी ये डबल रिंग है ना। हां ये डबल फिंगर रिंग है। बहुत प्यारी लग रही है सर ये। सर सारी डिजाइनिंग इन हाउस है। सारी डिजाइनिंग हो। आप ये देखिए ना सर, एक एक डिजाइनर से डिजाइन कराया जाता है। ये देखिए हमारे डिजाइन कोई भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये देखिए सारे हैंडमेड डिजाइन है, एक एक डिजाइन से डिजाइन कराया जाता है बकायदा। बहुत बढ़िया। ये देखिए ये आप ये देखिए ना, ये पहले एक एक पे इस पे डिजाइन कराया जाता है। बिल्कुल पहले हाथ से बनवाए जाते हैं डिजाइन, उसके बाद कारीगर से डिस्कशन करके उनको दिया जाता है। बिल्कुल ये सारे देखिए डिजाइन स्टार्ट से लेकर एंड तक हम सारे स्टार्ट से लेके इन हाउस होता है सब शुरू से लेके आखिर तक। बिल्कुल आगे देखेंगे। ये देखो और दिखाना बैंगल्स। ये देखिए बैंगल्स डायमंड की बैंगल्स हैं। और सर जो आपने बोला था 10 सेट शुरू होते हैं वो रिंग्स होती हैं। हाँ वो रिंग्स होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 सेट से हम डायमंड की रिंग्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी हमारे पास ऑप्शंस हैं। और फ्लावर ये रिंग्स आपको ऑन एवरेज, अभी गोल्ड थोड़ा सा महंगा हो गया इसलिए 10,000 हो गई, वरना ये 8,000 से शुरू हो रही थी रिंग्स। ठीक है ये सारे ऑप्शन हाँ हमारे पास हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखो 10,000 है। इसमें फ्लावर भी दिख रहा है। हाँ हल्की नहीं दिख रही, कोई लाइट वेट नहीं है, कोई नहीं प्रॉपर नहीं प्रॉपर है। 10,000-12,000-15,000 हर किसी की अपनी पॉकेट है। और आज की तारीख में तो सबकी बाइंग पावर इतनी हो गई है कि वो 10,000-15,000 उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रही है। हाँ नथिंग जस्ट लाइक पीनट्स। हाँ जी तो और देख लेंगे हम। ये कितने प्यारे प्यारे बैंगल्स हैं। ये सिंगल लाइन बैंगल्स हैं। ये देखिए बिल्कुल ये लुक लाइक सिंगल लाइन है, इसको बोलते हैं इल्यूजन सेटिंग बोलते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे डायमंड बहुत बड़ा लगा रखा हो, बट ये बड़ा डायमंड नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने 25 पॉइंटर की सिंगल लाइन डायमंड बैंगल बना रखी हो, बट ये बिल्कुल ये छोटा डायमंड लगा हुआ है। और ये अगर ये 25 पॉइंटर की बैंगल होती तो इसकी वैल्यूएशन अप्रॉक्स 17-18 लाख रुपये बैठती या 30 पॉइंटर होती, बट ये वाली जो बैंगल है ये आपकी बैंगल की वैल्यूएशन आपकी 3 लाख रुपए की है। ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये फिनिशिंग का मैन्युफैक्चरिंग का जो हम नई नई डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए ये ट्रेडिशनल लुक की डिज़ाइन है। ये आपके भी किसी साड़ी के साथ सूट के साथ लहंगे के साथ ये डिज़ाइन 50 साल पहले भी चला था और एवरग्रीन और आगे भी चलेगा क्योंकि ये इसके अंदर आपका एक एक डायमंड बहुत अच्छे से खिलके लगता है, कितनी चमक और लस्टर देता है। ये सारी डिजाइनिंग बनती है। और दिखाइए ये हम दिखा रहे हैं ये भी एक सेट बनकर आया है रोज गोल्ड के अंदर। हाँ जी ये देखिए आपको चेक करा देंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजाइन प्रिंसेस माउंटिंग से निकालना। ये आप देखो क्या डिफरेंट पूरा का पूरा बहुत अच्छा डिजाइन है हमारे पास। तो सर जैसे बायबैक का भी कोई ऑप्शन रहता है? हाँ बायबैक हमारा रहता है कि अगर आप जब खरीदते हैं तो डायमंड की वैल्यूएशन के ऊपर 10% कट जाता है और लेबर डिडक्ट हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो आपको बढ़े हुए गोल्ड के प्राइस मिलते हैं। सपोज आपने फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख की ज्वेलरी ली और 1 लाख की ज्वेलरी लेने के बाद आपने उसके अंदर 50,000 का गोल्ड है और आपकी 4500 के डायमंड 45,000 के डायमंड है और 5,000 की लेबर है तो आपकी लेबर डिडक्ट हो जाएगी और डायमंड के ऊपर आपके जो वैल्यूएशन ऑफ डायमंड है उसके ऊपर 10% कट जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके 5,000 कट गए और डायमंड की वैल्यूएशन 45,000 थी तो 4,500 रुपये कट गई तो आपके 9,500 रुपीज़ डिडक्ट हो गए। बाकी जो भी उसकी वैल्यूएशन है जो बैलेंस वैल्यूएशन है 90,500 और उसके अंदर गोल्ड के जो बढ़े हुए पैसे हैं वो आपको मिलेंगे बकायदा मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती कभी भी। आपने एक एक चीज़ क्लियरिटी दी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो भी हमारा भाई या बहन कोई भी देख रहा है उसको एक एक चीज़। अब ये देखिए ये हम हांगकांग से बनवाते हैं रिंग्स। ये प्रिंसेस कट डायमंड्स रिंग्स हैं। ये यहाँ पर आपके देखिए एक एक प्रिंसेस लगा हुआ है, ये हाथ पे यहाँ से नहीं बनती, ये हम हांगकांग से तैयार कराते हैं। सॉलिटर माउंट्स हैं। अब आप सपोज आप किसी की वेडिंग है वो देखना चाहता है, कोई 1 लाख रुपये की रिंग लेना चाहता है, कोई इसमें सॉलिटर 2 लाख का लगाए, कोई 3 लाख का लगाए, कोई 10 लाख का लगाए, रिंग यही रहेगी पर इसके अंदर सॉलिटर की वैल्यूएशन इसके अंदर उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। हमने सारी पिक्चर क्लियर कर दी है। आपके बजट के अनुसार आप सॉलिटर लगा सकते हैं। आप सॉलिटर रिंग्स दिखाइए जरा मुझे एक दो। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा हमारे पास जो सामने वाले कस्टमर को क्या बेनिफिट हो सकता है। मैम एक मिनट जरा इधर आएंगे आप, जरा सॉलिटर रिंग्स दिखाना। हम देख लेंगे ऑप्शन। मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा देखिए। हाँ जी हम लोगों के पास कस्टमर अक्सर कई बार ये कहते हैं आप इधर आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से घूम के आऊंगा मैं पीछे। बाकी ये सर हमारा रिटेल होलसेल दोनों होता है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। एक ये देखिए सर, ये मशीन है जिसके अंदर सामने वाला लगता है कि मैं डायमंड के अंदर कैसे देखूं क्या चीज़ है। आप ये देखिए उसको कितना क्लियर और बड़ा दिख रहा है कि कैसा डायमंड है। तो आप ये नंबर भी चेक कर सकते हैं, जैसे सॉलिटर के ऊपर नंबरिंग वगैरह हो सकती है, मेरा सर्टिफाइड है या नहीं है, उसके ऊपर क्या मेरी क्लैरिटी है, नहीं कोई इसके अंदर कोई छुपाव नहीं है, इजीली देख सकते हैं क्या मेरे एक डायमंड के अंदर कितना क्लियर है पीस, डायमंड कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी इसके अंदर। और मैं बताना चाहूँगा डायमंड वो है आपके, डायमंड टेस्टिंग है, टेस्टर दिखाना जरा भी है हमारे हाँ। पास तो ये सारी आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दी जा रही है ताकि आपकी जो हार्ड एंड मनी है आप ये ना समझिए कि हम कुछ ज्यादा प्राइस लिया गया या हमें बताया कुछ और दिया कुछ हो। और नहीं प्रॉपर, अगर किसी भी कस्टमर को ये लगता है कि मैं कहीं डायमंड लेने जा रहा हूँ मेरे को डायमंड नहीं मिलता या कुछ नहीं, वो टेस्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर डायमंड है कि नहीं है, ये आप टेस्ट हो जाएगा और कितनी क्लैरिटी है उसके लिए भी मशीन आपको दिखा दी मैंने। हाँ जी कि अब ये देखिए इससे सर कुछ, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये रेडी हो रहा है, ये मशीन है, इसको टेस्ट करके ये आइडिया लग जाएगा यहाँ पे डायमंड आएगा अगर डायमंड होगा तो ठीक है। क्लैरिटी भी मेंशन होती है इसकी? नहीं ये टेस्ट करता है ये डायमंड है या जर्कन तो नहीं है, जर्कन पे आता नहीं है। ठीक है ये देखिए डायमंड है, ये डायमंड आ गया ना। बुखार भी चेक हो जाता है? और सर कौन कौन सी कैटेगरी आप दिखाने वाले हैं? हम सेट से, हम लोगों के पास नो स्पिन्स हैं, पेंडेंट सेट्स हैं, रिंग्स हैं, टॉप्स हैं। टॉप्स दिखाइए, टॉप्स हमारे पास हैं। ओके हमारे पास डायमंड की सारी आपको वैरायटी मिलेगी, पिन से लेके सेट्स तक, इवन तक डिजाइनर ज्वेलरी भी जो आजकल ट्रेंडी है, क्यूबन चेन्स भी हैं, ये सारी आपको मिलेंगी प्रॉपर। और हमारे पास आपको डिजाइनर के साथ ब्रासलेट्स दिखाइए जरा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ ब्रांडेड ब्रासलेट्स दिखाना। कुछ ब्रांडेड ये किस कैटेगरी में, प्राइसिंग रेंज में आ जाते हैं? इसमें कम सब है, मतलब आप 20,000 से लेकर के आपके डायंगलर्स तक, ये देखिए ये आपके 1,00,000 रुपए तक की रेंज के अंदर आते हैं। बहुत बढ़िया ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी हमारे पास है जो आपको हम दिखा रहे हैं। मैं आपको कुछ ब्रासलेट्स दिखाऊंगा, आप ये देखिए ठीक है। तो ये हाँ जी ये हमने बना रखे हैं, ये बुल्गारी का ब्रासलेट है, आप ये देखिए जो प्रियंका चोपड़ा पहनती है। ओ यार सेलिब्रिटीज अब सच तो ये यहाँ से बन के गया है। अब ये देखिए हाँ जी ये कार्टियर का है, नेल कार्टियर ब्रासलेट बोलते हैं इसको। हाँ जी ये बहुत अच्छा पीस है, ये बहुत ट्रेंड में है, ये चलता बहुत है, ये देखिए क्या बात है, खतरनाक आइटम है ये भी। हाँ ठीक है, आजकल ये लेडीज के अंदर बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए एक ये देखिए जेंट्स ब्रासलेट क्यूबन में। ओह ये तो सर, और ये हनी सिंह, हाँ ये जो हनी सिंह वाला ही है। बहुत बढ़िया सर, ये किस रेंज में आएगा ब्रासलेट? ये आपका आ जाता है अप्रॉक्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका 2,10,000 का आ जाएगा ओनली। हाँ जी ठीक है, काफी अच्छा है वैसे, बहुत प्यारा पीस है, बहुत सुंदर पीस है, बहुत डिफरेंट है। एक ये देखिए ये बाहर से बनवाया था हम लोगों ने, मतलब कि डायमंड हमने लगाए थे और ये पीस हमने मंगवाया था हांगकांग से, ये क्योंकि ये पूरी ये देखिए चेन ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। ये आपका ये है कि ये लेदर बेल्ट में बहुत बार आया है पर ये मेटल के अंदर फ्लेक्सिबल, आप सबसे अच्छी बात है अपना हाथ करिए, ये मेटल के अंदर फ्लेक्सिबल किसी भी हाथ में आ सकता है, आपको इसके लिए ये नहीं होगा। कौन हो सर आप? मेरी अगर आपने ब्रेसलेट को हाथ लगाया ना मैं आप 100 नंबर को रेंट दूंगा। ओ सॉरी यहां तो कैमरा लगा हुआ है। हाँ जी सर, तो ये आप ले सकते हैं। हाँ जी ये आप ही का हुआ, तो ये सर फ्लेक्सिबल है, मतलब कोई भी पहन सकता है ना? हाँ कोई भी पहन सकता है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये इलास्टिक नहीं है। हाँ जी ये मेटल है, टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, और ये मेटल के साथ ही कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है, ये यहाँ पर बनती नहीं है। हाँ जी स्टार्टिंग प्राइस भी बता दिया, बाकी बड़े बड़े साइज छोटे साइज वो आपके सेट्स और दिखा दीजिए, सेट्स कुछ और भी देखेंगे। और प्लस पॉइंट क्या है कि आपको विद क्लेरिफिकेशन के साथ बताया जा रहा है कि हम हैं मैन्युफैक्चरर और किस तरीके से ये डिजाइन होते हैं, कैसी कैसी लेआउट तैयार होती हैं, वो सब आपको आज की वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे कि हमने बिल्कुल बिगनिंग में बताया कि ये देखो आप क्या बात है, ये भी सर होगा कम से कम, ये आपकी बनेगी 25,00,000 रुपए की। 25,00,000 ये क्यूबन चेन है, ओनर का नंबर दे देना मैं मिलना चाहूंगा उनसे। हाँ जी और देखेंगे सर, ये देखिए ना, हाँ जी ये वाली जो क्यूबन चेन है ये 17-18 लाख की बैठेगी। क्या बात है, खतरनाक। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि आज की तारीख में इनमें 200 ग्राम तो गोल्ड है, 200 ग्राम गोल्ड की वैल्यूएशन ही आप ये समझिए 8-10 लाख रुपए हो जाती है। बिल्कुल, उसके बाद डायमंड है, डायमंड की वैल्यूएशन हो जाती है, तो 17-18 लाख रुपए हमारे यहाँ बैठेगी। अब ये किसी कौन कितने बड़े ज्वेलर से लेता है या क्या है उस पर डिपेंड करता है, वो मल्टीपल है।
तो ठीक है जी, ये हमने रिंग्स देखी, सेट्स देखे, हमने ब्रेसलेट्स देखे, हमने टॉप्स देखे। हाँ, कुछ और सेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि ये हम दिखाएंगे आपको, ये भी बड़े फ्लावर्ड वाले डिज़ाइन हैं हमारे पास, और इसके अंदर टॉप्स वगैरह पूरा सेट है। और भी सारी कलेक्शन मिलेगी, जैसे कि ये हमारे पास आ गए, तो सब आपको मिलेगा एक इन हाउस। इन हाउस सर फर्स्ट फ्लोर पर पड़ता है हमारा सर? हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पर है। ठीक है जी, तो ये बहुत अच्छा सर आपने डिज़ाइन करा हुआ है सारे जितने भी हमारे पास हैं डिज़ाइन। और बाकी आपको राशि के स्टोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं, नीलम पलना पुखराज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको वो भी मिल सकते हैं। अगर आप गोल्ड अपना ओल्ड गोल्ड बेचना चाहते हैं तो हमने बाहर से फॉरेन से एक मशीन हमारे इंपोर्ट करवा रखी है, वो आप मशीन के थ्रू टेस्ट करवा सकते हैं, उससे अपना ओल्ड गोल्ड भी बेच सकते हैं, बेचना चाहें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि बहुत लोग सोचते हैं कि हम ओल्ड गोल्ड कहाँ बेचेंगे, ज्वेलर जो जा रहा है वो लेगा या नहीं लेगा, वो क्या होगा, तो उस मशीन पर टेस्ट करवाए बिना मेल्ट करे आप टेस्ट करवा के उसको आपकी मर्जी है, बेचना चाहते बेचना चाहते। दूसरी बात, मैं यूनियन बैंक का अप्रूव्ड अप्रेजल हूँ। ये लगाना जरा, बुलेट गिर गई, बुलेट हो यार, पेट्रोल ना निकल जाए टैंकी। हाँ जी, तो ये सर ये अप्रूव्ड अप्रेजल हूँ मैं यूनियन बैंक का। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। बिल्कुल, तो सर 12th की मार्कशीट भी रखी हुई है। नहीं वैसे तो मैं वैसे भी करा के दे सकता हूँ। तो ये हमने आपको दिखाई सारे आर्टिकल्स एंड डिजाइंस हैं, मतलब ऐसे खतरनाक आपको मिलेंगी वैरायटी जो किसी के पास नहीं, सिर्फ हमारे पास है, बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर एंड वी डिजाइन इन आन ओन हाउस, मतलब खुद अपने सारे डिजाइन बनाते हैं और दिल से बनाए गए हैं। सर एक आपने बताया कि इसको बनने में हमें इतना टाइम लगा, एक एवरेज ऐसे सेट्स हैं एक महीना लग जाता है बनने में? तीन तीन महीने लग जाते हैं जी। तीन तीन महीने, कई बार कैसी सेट्स को बनने में 7 से 8 महीने में लग जाता है। रीजन उसका ये होता है कि डायमंड की जो क्वालिटी है वो मैच नहीं करती जब दूसरी क्वालिटी आती है। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे सेट है, अब इस सेट के अंदर ये दो लाइनों के डायमंड पूरे लग गए पर ये ऊपर वाली के डायमंड नहीं लगा, जब तक इसकी सेम क्वालिटी का डायमंड इसके साथ नहीं आएगा हम उस सेट को तैयार नहीं कराते। बिल्कुल, सेम जब तक क्वालिटी आएगी तभी तैयार होगा, चाहे उसको 6 महीने लगे, साल भर लगे, 6 महीने, 1 साल लग जाए, पर इसके साथ ही, इसलिए कई बार सेट्स को 3 महीने से लेकर 7 महीने 8 महीने तक लग जाते हैं, वो सेम क्वालिटी मैच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो और भी हमारे पास सारी वैरायटी रहेगी, कैटेगरी रहेगी। सर हम डायमंड स्पेशल तो बना ही रहे हैं वीडियो, कोई अगर सिर्फ गोल्ड लेने आए तो वो भी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं? गोल्ड लेने आए तो हमारे पास ब्राइडल ऑप्शंस रहते हैं, हैवी चोकर्स वगैरह के गोल्ड के, जिसके अंदर आपके थोड़े सेट और गोल्ड सेट रहते हैं। मैं बस कुछ दिखा दूं आपको गोल्ड के चोकर वगैरह, ये देखिए इस टाइप के। तो अगर आप गोल्ड भी लेना चाहते हो तो इसका मतलब ये गोल्ड के ब्राइडल चोकर्स वगैरह हम लोग बनवाते हैं, कोयम्बटूर वगैरह से बनवाते हैं। ये देखिए, ये काफी अच्छे ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, देखो और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें मेकिंग हमारी फिक्स रहती है कुछ इसके अंदर? ये ब्राइडल चोकर्स हैं और डिजाइनर पीसेज हैं, ये एक एक काम होता है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम इसमें सस्ता देते हैं, हम ये कहेंगे कि इसमें हम फिनिशिंग देते हैं। जैसे पूरा चोकर आज की तारीख में सस्ता बहुत लोग दे रहे हैं, खाली सस्ता देने से आपको चीज अच्छी मिल जाए ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मेन है कि उसकी जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है वो प्रॉपर हॉलमार्क मिले और इसके अंदर फिनिशिंग मिले। जैसे आप ये देखिए, इसके अंदर बहुत बारीक वर्क हुआ हुआ है और इतना फिलावट होने के बाद ये इसका वजन कम से कम आप देखिए 125-150 ग्राम आता है। अब मैं इसको लेबर सस्ती कर दूं और इसका वजन ज्यादा कर दूं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब ये मैंने इसको क्या कर रखा है, ये 72 ग्राम्स में है ये सेट। मैंने हमने कितना ग्राम सोना कम कर दिया फिनिशिंग से, 30-40 ग्राम सोना इसके अंदर कम हो गया कम से कम। ठीक है, और इसकी लेबर कितनी बड़ी, हो सकता है इसकी लेबर 100 रुपीज़ पर ग्राम बढ़ गई हो, पर 70 ग्राम से 7,000 रुपये की लेबर बढ़ी और इसकी जो सोना है 40 ग्राम कम होने से वो आपको 2-2.5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया। आप मेन चीज होती है फिनिशिंग, क्योंकि ये आर्टिस्टिक वर्क है। सिर्फ सस्ता करके अगर मैं दूंगा तो बहुत से लोग मार्केट में बैठे हैं और दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके पास रीजनेबल चीज, प्रोडक्ट और डिजाइनिंग के साथ साथ प्योरिटी भी पहुंचे उनके साथ साथ, क्योंकि सस्ते में फिनिशिंग नहीं आती और ये बहुत सारा फिनिशिंग का वर्क मांगता है। बिल्कुल, ज्वेलरी है ये देखिए। हाँ, ये बड़ा प्यारा लग रहा है, ये सर रानी हार टाइप कह सकते हैं इसको हम? हाँ जी, ये रानी हार है, ये आपका तोड़ा सेट कहते हैं। ये देखिए, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा, ये कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा बनाया आपने पिंक टोन के साथ यमुना। और ये पूरा सर कौन सा वर्क कहते हैं इसको हम? इसके हम आपको कहते हैं कार्विंग, नहीं कुछ और कहेंगे सर इसको? हाँ, इसको कुछ और कहेंगे, ये सारा कोयम्बटूर से बन के आता है हमारा। ओके ओके ओके, ठीक है। वैसे मस्त मस्त डिजाइन देखने के लिए यहाँ पे तो हमें सर आना ही पड़ेगा, है ना सर? आप डेली मिलते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं डेली मिलता हूँ। भारी घंटे में कब जाते हैं? हाँ जी, भारी घंटे में कब जाते हैं फिर?
जब पापा छुट्टी कर देते हैं। दुबई तो बहुत जाते होंगे आप ना? नहीं नहीं, मैं दुबई आज तक नहीं गया। एग्जीबिशन कौन सी कंट्री में ज्यादा लगती है आपकी? एग्जीबिशन हर कंट्री में ज्यादा लगती है, पर इंडिया के अंदर जो एग्जीबिशन लगती है वो बाहर कभी नहीं लगती। मैं लॉस वेगस तक की एग्जीबिशन अटेंड कर रखी है मैंने, जेसीके जिसे कहते हैं, जेसीके बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती है। पर IIJS इंडिया की जो एग्जीबिशन लगती है उनसे बड़ी एग्जीबिशन मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं एग्जीबिशन के तौर में बहुत जगह जा चुका हूँ। पर इंडिया की एग्जीबिशन जितना प्रोडक्ट्स, जितनी डिज़ाइनिंग, जितना मेहनत यहाँ के लोग करते हैं ज्वेलरी को लेकर, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग ज्वेलरी को लेकर। ये तो है, क्योंकि जो हमारी हमारे साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारे साथ पैसे नहीं जुड़े हुए, हमारे साथ इमोशन जुड़े हुए। ये बात सच है सर। देखो, किसी घर में भी ब्याह शादी होती है, मैं किसी फॉरनर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, किसी फॉरनर को समझ भी नहीं। फॉरनर इतना नहीं टाइम और इतना नहीं दिमाग लगाते इन चीज़ों में, पर हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल है ना कि हमारे घर में शादी होती है, अपने बच्चे को तो हमने देना ही देना है, प्लस उनके साथ जो एक रिश्ता जुड़ने आ रहे हैं वो एक प्यार होता है, मोहब्बत होता है, रिस्पेक्ट होती है। हम काफ़ी सारी ज्वेलरी बनवाते हैं और वैसे भी डेली बेसिस में आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखिए सर, आज हम लेंगे 5 साल बाद बेचेंगे तो जितना मर्जी ये डायमंड में कटिंग हो, जितना आपने एक्सप्लेन करा बिल्कुल वो मेकिंग एंड वो करके, पर उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो काफ़ी हद तक। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि डायमंड ज्वेलरी के अंदर एक प्रोसेस है, कि लोगों का एक बड़ा मिथ है कि डायमंड ज्वेलरी के अंदर रीसेल वैल्यू नहीं है, या कोई डायमंड ज्वेलरी हम ले लेंगे तो हम बाद में पैसे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रहा, पहली बात, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से बहुत ऊपर आ चुके हैं। आज से 20 साल पहले इंडिया एक अलग था, आपको आपकी मेडिक्लेम्स नहीं होते थे, लोन्स नहीं होते थे, आपके बॉन्ड्स नहीं होते थे, आपके LICs नहीं होती थी, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता था, इतनी LICs नहीं होती थी। आज की तारीख में ऑलरेडी आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, मेडिक्लेम में करते हैं, बॉन्ड्स आप लेते हैं, LICs आप लोगों ने ले रखी है, तो ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट से ऊपर उठ चुकी है अब इंडियंस के लिए, अब एक लग्जरियस गुड आ गया। आज की तारीख में इंडियंस इतनी रोलेक्स पहनते हैं जितने वर्ल्ड में बनती नहीं है। हम मैंने नहीं पहन रखी, पर मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया भी आप इसमें भी लगाते हैं। हाँ बिल्कुल लगाते हैं। आप अपनी पुरानी कोई भी घड़ी दे सकते हैं जो स्टील की हो, उसके अंदर भी डायमंड लग जाएंगे। गोल्ड के अंदर, स्टील की वॉच के अंदर भी आपके डायमंड लग जाएंगे। इसको नहीं पता था ना, आपके इस बंदे को नहीं पता था ना, इसको नहीं पता था। तो ये हमने कंसेप्ट दिखाया, बहुत ही बढ़िया दुकान है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है, प्लस पॉइंट किया विद क्लैरिटी के साथ आपको मेंशन किया जा रहा है। यही हम रोकते हैं वीडियो, जल्दी से आप आइए, बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आप लेके जा सकते हैं। और कोई होलसेलर भाई देख रहा है, किसी को होलसेल में लेनी है, मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। बाकी रिटेल कस्टमर के लिए हमने सारी वीडियो बना दी है। एक स्टार्टिंग डायमंड 10,000 से आप शुरू कर सकते हैं, और वो आपके बजट के ऊपर, आप जहाँ तक जाना चाहते हैं, मार्केट प्राइस से, मेकिंग से सस्ता आपको हम बेस्ट फिनिशिंग के साथ, है ना, फिनिशिंग के साथ बिल्कुल। तो थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा। इंस्टाग्राम का पेज, सोशल मीडिया सारा आपने फॉलो करना है, और बढ़िया बढ़िया अपडेट इनके थ्रू लेते रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके, बाय बाय।